यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। केंद्र सरकार की ग्राम स्वरोजगार योजना को सांसद अनुराग ठाकुर ने लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद बताया। हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के हर कार्यक्रम की एक और तारीफ हो रही है। 5 मई तक केंद्र की योजनाओं का विस्तार से काम किया जाएगा और देश के कोने कोने तक इसका विस्तार भी किया जाएगा और उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी का हर कार्यकर्ता अहम रोल निभाएगा। और केंद्र की सरकार ने ग्राम स्वराज अभियान चलाया है कि केंद्र की योजनाएं किस तरह से गांव और गरीब तक पहुंची हैं और उनकी और जानकारी आम जनमानस तक पहुंचे, उनका लाभ उन तक पहुंचे, चाहे वो अंबेडकर जयंती का अवसर हो या 18 तारीख को स्वच्छता पर्व मनाने की बात हो, 20 तारीख को उज्ज्वला योजना की बात हो, 24 तारीख को पंचायती राज के संस्थानों को जोड़कर प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे और इसी तरह से 28 को, 30 को, 2 मई को, 5 मई को कार्यक्रम होंगे। 5 मई को तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इन सबको जोड़ के एनजीओस को आजीविका और कौशल विकास के कार्यक्रम होंगे। 2 मई को कृषि से जुड़े हुए कार्यक्रम होंगे। तो आप देखिए कि गाँव, गरीब और समाज के अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए उन लोगों तक इन लाभ को पहुंचाना, सरकारी स्कीम्स को पहुंचाना, ये मोदी जी ने बड़े शानदार ढंग से किया है और इस कार्यक्रम की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। आप देखिएगा 5 मई तक जन जन तक मोदी जी की योजनाओं को किस तरह से प्रभावशाली ढंग से पहुंचाया जाएगा।